आज की तारीख है 11 नवंबर। मेरे को अच्छे से याद है कि 2 दिन पहले मैंने आप सभी को एक चैलेंज दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि यार 11 तारीख तक अपने 30,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। खैर, वो चैलेंज नहीं था, वो मैं देखना चाहता था कि आप लोग मेरे से कितना प्यार करते हो। और भाई, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैंने देख लिया 30,000 अपने हो चुके हैं, तो इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। मतलब ये जो हमारा 30,000 का परिवार है भाई, ये तो एक सिर्फ नंबर है, मेन मायने रखता है तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट। ये जो YouTube पे अपना इतना बड़ा परिवार हो चुका है भाई, ये मेरे लिए एक ऐसा तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य तोहफे वाला। आप लोग सही बताओ ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी कि आप लोग करवा दोगे, और भाई आपने करवा भी दिया। खैर, जो भी मेरे को अपना भाई मानता है, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, हम सफर तो क्या ही मानोगे, तो जो भी मानते हो, और मेरे हेटर्स भी जो डिसलाइक करते हैं, तो यार उन सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने टाइम तक मेरे साथ हैं, और मैं आशा करता हूँ कि शायद आप आगे भी रहेंगे। बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, हमेशा साथ रहना यार, कभी भी छोड़ के मत जाना। इतनी तो गारंटी ले सकता हूँ कि आप सभी को कभी भी मैं शर्मिंदा महसूस नहीं करने दूंगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको हर्ट हो या फिर किसी और को हर्ट हो। मैं बस अपना काम करूंगा, बस आप हमेशा साथ रहना। तो चलो अब बात कर लेते हैं गेम प्ले की। तो मेरे चड़ी बड़ी दोस्तों, कैसे हो आप सारे? आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज आशा और हम जाएंगे पार्टी करने, रात को वो सब करने नहीं जाएंगे, खाने पीने जाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है पबजी मोबाइल के एक और गेम प्ले में। और भाई साहब, इस वाले गेम प्ले में तो क्या ही मजा आने वाला है। बोले तो यार, हम लोग उतरते हैं मिलिट्री बेस में, और आसपास ही काफी ज्यादा बंदे हैं, और यहाँ पे मेरे को गन भी मिल जाती है, और भोला के ऊपर हो चुका है कुछ बंदों का आक्रमण। तो देखो सब बंदों को कैसे धोते हैं। ये देख नीचे, अरे ऊपर है। तो यहाँ पे उतरते ही मैंने 3 बंदों की धुलाई कर दी, उसके बाद ऊपर एक और बंदा है। हमको ऐसा लगता है उसके पास गन नहीं है, पर भाई लेके बैठे हैं शॉर्ट गन। हाँ ये देख, ओ भाई नहीं है भाई, जाओ जाओ घुसो घुसो घुसो। अब यार, इस शॉटगन वाले भाव को धोने के बाद यहाँ पे एक टीम खत्म हो जाती है, उसके तुरंत बाद एक और टीम आ चुकी है नीचे की तरफ। तो मैं भोला से लेता हूँ UMP 69, ओ UMP 45, उसके बाद देखो क्या ही करता हूँ। हाथ लगा, हाथ लगा। पूरा फिनिश कर। तो यार यहाँ पे जितने भी बंदे और बोट आए थे थर्ड पार्टी करने, उनको मैंने आसानी से धो दिया सर्फ एक्सेल की तरह। कोई प्रचार नहीं कर रहा था मैं, तो जो भी यहाँ पे सबकी पेटियां बना दी। उसके बाद मैं अपने इन निकम्मो टीममेट को देता हूँ रिवाइव, गाली देने वाला था तो इनको रिवाइव देता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं और आगे मिलिट्री बेस की सी बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि यार इधर पे ना 2 टीम आपस में लड़ रही है। तो मैं आता हूँ, करता हूँ यहाँ से बम, और देखो क्या ही होता है। भाई क्या हालत हो गई यार मेरी। अब यार यहाँ पे इन भाई को मैंने लपेटा जो कि अकेले थे, और एक और टीम का बंदा बाहर की साइड है, तो उस पर भी मैं करूंगा अपनी AKM लेके रश। एक नंबर, अरे 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 अरे
अब यार यहाँ पे मैंने इधर का सारा क्लियर कर दिया था, फिर हम लेने लगते हैं चैन की सांस, पर उसमें दखल अंदाजी करने आ जाते हैं निशु मुन्ना। अब मेरे को नहीं पता ये लड़का है या लड़की, जो भी रिक्वेस्ट भेज के यार पूछ लो ना कौन है। तो बिल्कुल यार ये भाई कर देते हमारे भाई को नोक, मारी भाई को, तो मैं इसके बाद लेने जाऊंगा बदला आगे की तरफ। और अब मेरे को इनकी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता है, और भाई देखो ये कहाँ ही होते हैं और क्या ही आक्रमण करते मेरे ऊपर। इसके पीछे मार्क द लोकेशन। नेड़ किया भाई, क्या बंदे। तो यार इसी के साथ यहाँ पे मैंने इन दोनों बंदों की पेटी बना दी है। मतलब पहले वाले बम बबूरे के लिए एक लाइक तो ठुक जाना चाहिए, और जो जो चैनल पर नए हैं उनका सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए। रिक्वेस्ट थी यार, ऑर्डर नहीं था, प्लीज कर दो यार। तो इसके बाद यार इनकी पेटी बनाने के बाद हम निकलते बग्गी लेके, और हम सोचते यार ये डासिया जो सामने खड़ी है ये उठाते, अपने मारी भाई को भी साथ में लेकर चलते आगे की तरफ। पर उतने में ही मेरे को ऊपर पहाड़ की तरफ एक बंदा लेटा हुआ दिख जाता है, और मैं इसलिए नहीं मारता उसको यहाँ से क्योंकि मेरे को लगता है रिज ग्लिच होगा। तो मैं सोचता हूँ, भोला को बोलता हूँ, भैया तुम गाड़ी उठाओ, तुम चलाओ, मैं ऊपर जाके उसको पेलूंगा। पर देखो यहाँ पे क्या ही सीन होते हैं। किधर है? अरे भाई मैं गाड़ी में कौन से एंटर कर रहा हूँ। अब यार यहाँ पे मैंने भोला को बोला था कि भाई तुम गाड़ी चलाओ, मैं बैठ के बिल्कुल ऊपर चलते पेटी वेटी बनाते। पर भाई साहब बग्गी में बैठ जाते, नशे अलग ही चलते यार इसके। तो इसके बाद ये बग्गी में बैठ जाता है और वो देता है स्प्रे जिससे नोक होता है, पर भाई मैंने ही एक रिटर्न में स्प्रे दिया जो कि उसकी पेटी बनाता हूँ डायरेक्ट, पहले ही दे देता है यार। मैं तो ये सब सीन नहीं होते, पर मेरे को लगा रिज ग्लिच है तो शायद नहीं लगे। पर कोई ना, हमने पेटी बना दी, उसके बाद मारी भाई को बैठाते हम, उसको लूट के हम निकलते ब्रिज की साइड। और भाई यहाँ पे यकीन मानो ब्रिज कैंप हो रखा है, और देखो क्या ही कैंप है, मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आया ये कैंप था कि मजाक चल रहा था। ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल ब्रिज कैंपिंग। बहुत तेज भाई, पानी में कूद जाएंगे नहीं तो। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये लोग करना क्या चाह रहे थे। पर कोई ना, पहले बंदे को अपन ने नोक डाल दिया है, दूसरा बंदा गिर चुका है पानी में जो कि यार उसको अपन फेलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे मारी भाई जाते हैं, वो अपने को उस बंदे की लोकेशन बताएंगे। तो देखो क्या ही IQ से मारेंगे यार इसको हम। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है गेम में। हाँ वो हमें है नहीं, पर फिर भी जो भी किया यार, जैसा भी किया अच्छा किया। मतलब वो बंदा मारी भाई को देख रहा था और मैंने उस बंदे को देख लिया, और यहाँ पे इसकी पेटी बना दी। उसके बाद एक बोट आता है, उसको भी मैं धोता हूँ। और भाई साहब जैसे ही हम थोड़ा आजू बाजू घूमते हैं तो भोला अकेला पीछे रह जाता है, तो कुछ बंदे उस पर फायर करते हैं, तो वो हमको बुलाता है कि भैया मेरे को बिठाओ, और इन बंदों पर हम रश करते हैं। फिर इधर रोको, इधर रोको, एक पीछे के दांत से लेकर आया कोई, तो आवाज आया क्या तुमको? रश मार दिया एक ओपन में, स
सही बताओ ना भाई, तो उस बम की आवाज मेरे को बिल्कुल भी नहीं आई थी भाई। कब आके कब फट गया, नोक कर गया मेरे को। पर कोई ना, आपने अभी अभी देखा कुछ भाई? मौत सामने से गई है जो कि नीचे जाके हील कर रही है, वापिस आती है ऊपर। मौत देखो। भाई अभी मत नॉक होना भाई, गांड फट जाती है। नेड किया नाम तो सुना ही होगा ना? नहीं सुना? हाँ मैं बताता हूँ, नाम है अपना डीटी, बजाते हैं सबकी सिटी। तो यार यहाँ पे ये वाले सीन के बाद जो जो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहा है ना, जो नया है सब्सक्राइब नहीं कर रहा है भाई, डूब मरना चाहिए। मतलब मेरे को मरना चाहिए डूब, आपको नहीं, मजाक कर रहे हैं यार। सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। थर इसके बाद इन भाइयों की पेटी बनाने के बाद हम जाते हैं आगे, और मेरे को सामने वाले घर में एक बग्गी दिखती है जो कि एक बंदा पार्क कर रहा है, मतलब कैंप करने के लिए। बिल्कुल भाई पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो हम जाते हैं और मैं करता हूँ फिर बम बबूरा। ऊपर हो नेड़ कर रहे क्या? तो तू कर रहा है खैर, इससे कुछ होता नहीं है। तो मैं भोला को बोलता हूँ, भैया आपके पास एक दो बम है? तो बोलता है ना, तो मैं उससे लेता हूँ। उसके बाद ये वाला देखो बस आप। एक ही था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इंडिया का टॉप ग्रेनेडियर मैं ही हूं। हाँ मतलब यार पता नहीं क्या ही फटते हैं, आप तो तारीफ नहीं करोगे, मैं ही कर लेता हूँ। खैर यहाँ पे इस बंदे की मैंने बम से पेटी बनाई। उसके बाद हम निकलते आगे की तरफ, और भाई काफी घूमने के बाद हमको एक गाड़ी दिखती है। तो मैं देखता हूँ यार बंदे कहाँ कहाँ है। तो देखो कहाँ होते हैं यार बंदे। ऊपर और तीन बंदे, चुप गए चुप गए। पीछे से पता नहीं आजा, मैं सेफ हूँ। यहाँ पे ना दो टीम होती है जो कि यार एक सामने लेटी है, एक पीछे से AWM मारती है भोला को। तो यहाँ पे मैंने एक को नॉक कर दिया जो कि पिछली वाली टीम है, और अब ये जो AWM वाले ये हम पे कर चुके हैं रश। तो देखो मैंने जैसे ही इसको रिवाइव दिया, और मैं करूँगा इन पे उल्टा रश। नेड कर रहे पीछे वाले। सही बताऊँ ना, तो यहाँ पे मैं इतना डर चुका था, मतलब ये जो पीछे वाले AWM वाले बंदे भाई, इनने तो क्या ही थर्ड पार्टी करने की सोची। पर जैसे तैसे मैंने इन सबकी पेटी बना दी। उसके बाद हम वापस से उधर की साइड जाते हैं जहाँ पे पहले मैंने बंदा नोक किया था। तो यार वो लोग रिवाइव होके बिल्कुल यहाँ पे स्मोक स्मोक करके कैंप कर चुके हैं, सांप बन चुके हैं। तो हम उनको काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो हमको दिखाई ही नहीं देते। मतलब वो फायर करते हैं पर इतनी घनी घास कि हम देख ही नहीं पाते कि कहाँ कहाँ बैठे। तो उतनी ही देर में जोन आ जाता है उसके बाद। तो हम सोचते हैं प्रायोरिटी जोन को दे, क्योंकि इन सांपों के चक्कर में हमारी बेटी बन जाएगी। तो जैसे हम जोन की तरफ निकलते हैं, और देखो क्या ही सीन होते हैं यार यहाँ पे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता यार, मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ कि इन बंदों के लिए आप क्या कहना चाहोगे।
मतलब यार जोन आया, ठीक है, हमने प्रायोरिटी दी, और भाई ये लोग वहीं के वहीं लेटे हैं, जोन आ गया, हेल्थ जा रही है, पर हिलने का नाम नहीं, और किल सारी जोन को दे दी, मेरे को दे देते यार, यहाँ पे टाइटल थंबनेल में डालता तो ज़्यादा किल होते, ज़्यादा केडी बढ़ती, पर भाई इनकी ढीठता, मैं क्या ही बोलूँ भाई, रोना आ रहा है मेरे को। फिर कोई ना, अब आखिरी बंदा बचा है, तो हम ढूंढते उसको यार, निकलते ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है, और उतने में ही भोला को बंदा दिख जाता है, तो देखो हम उसके साथ क्या ही सीन करते हैं। अरे सामने सामने सामने, Watch out. रुक जा रुक जा रुक जा। एक सेकंड ना, मेरे को भी नहीं आने दे क्यूट बेबी को। अरे भाई देख कितने मतलब एक्यूरेसी देख रहा है मेरे इसके। खैर यहाँ पे इस बंदे को पेलने के बाद थोड़ी बहुत बकचोदी की इसके साथ, बिल्कुल फ्लेयर व्लेयर उसके मुंह पे चलाई, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, पर जो भी हमने पेटी बनाई, और हो चुका है हमारा विनर विनर चिकन डिनर। तो आज अगर आपको गेम प्ले पसंद आया हो, कमेंट्री पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो जो नए हो चैनल पे, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि जब भी अपनी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लो, उधर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यार थैंक यू दिल से, लव यू मेरी जान्स, लव यू लव यू लव यू लव यू। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हाथ धोते रहना, स्टेट घर पे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।